बातों को छोड़ करके मंत्री कह रहे हैं कि आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा इस उम्र में। घटनाएं हो रही है, आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही है। अगर नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाता तो पुलवामा की घटना कौन करके गया? सीरियस दूसरा बात है, झूठ बोलते हैं और सब मंत्री लोग को लगा देंगे कि तो जरा प्रोडक्ट बेच करके आओ तो ले लो खरीद लो बेच लो फायदे। अरे क्या मानसिकता है ये? आप देश चला रहे हैं ना, देश की वस्तुस्थिति बताइए। आप बताइए कि आर्थिक हालत ये है कि ऑलरेडी अमेरिका रिसेशन अनाउंस करने वाला है। चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। और हमारे दो वरिष्ठ साथियों ने न सिर्फ आज बल्कि लगातार जब से ये योजना घोषित की गई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, उसके साथ साथ मैं बिहार का रहने वाला हूँ। शायद ये पहला मौका है कि मैं आप तमाम लोगों के सामने स्पष्ट तरीके से यह बात रखना चाहता हूँ कि मैं ऐसे परिवार से आता हूँ, हमारे परिवार में रिश्तेदारी में 16 लोग आर्म फोर्सेस की नौकरी करते हैं। मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जिसको शहीद का परिवार कहा जाता है। इंसर्जेंसी में हमारे एक भाई की शहादत हुई है, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और आप सबके चैनल पे भी मैं यही देख रहा हूँ कि सब लोग यही कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हिंसा बिहार में भड़क रही है। मैं इस बिंदु पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हम लोग मार्केटिंग नहीं करना जानते। हमको लगता है कि सेना का, देश के सर्वोच्च सम्मान का ये मार्केटिंग करने का चीज़ नहीं है। लेकिन आप एक एक मंत्रियों का बयान सुन करके देख लीजिए, जो लोग अग्निपथ योजना का फायदा गिना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सेल्समैन की भाषा होती है ना, वाह मेगा बम्पर ऑफर चल रहा है, आपको 20 लाख रुपया भी मिल जाएगा, 4 साल में आप रिटायर भी हो जाएंगे, फिर आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। इस भाषा की मानसिकता को समझने का प्रयास, ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन के बाहर कोई चूहा मारने की दवा बेच रहा है। साहब आप मंत्री हैं, आप सबसे पहले देश की जनता को यह बताइए कि इस योजना की जरूरत क्या है। हर साल जब 50,000 से ज्यादा भर्तियां और नियमित भर्तियां, जिसमें टीए भी है, डीए भी है, पेंशन भी है, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन का भी प्रावधान है, रेलवे का भी टिकट मिलेगा, हवाई जहाज का भी टिकट मिलेगा, और अगर सर्वोच्च बलिदान आप देते हैं, आपको शहादत होती है तो आपके परिवार का भी ख्याल रखा जाएगा। इन तमाम बातों को छोड़ करके मंत्री कह रहे हैं कि आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा इस उम्र में। ये वही भाषा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बोले थे कि काला धन वापस आ जाएगा तो आपके खाते में 15 लाख रुपया मिल जाएगा। मिल गया क्या 15 लाख रुपया? जिस खाते में 15 लाख रुपया मिलने वाला था ना, उसी खाते में 20 लाख रुपया भी मिलेगा। इस मानसिकता को समझने की जरूरत है और इसीलिए हम लोग इस योजना की जरूरत के सवाल उठा रहे हैं। जब देश में एक नियमित भर्ती प्रक्रिया है, 2014 में देश बना है, उससे पहले क्या आर्मी में लोग बाहर नहीं होते थे? क्या हमारे पास एक प्रक्रिया नहीं थी? उस प्रक्रिया को खत्म करने का कारण क्या है? तब सरकार के कुछ दावे बताए जा रहे हैं। दावा क्या है? दावा यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। ये तो आप चाह रहे हैं, ये आप वादा भी कर चुके हैं कि हर साल आप 2 करोड़ नौकरी देंगे। उस 2 करोड़ नौकरी को छोड़ करके पीएमओ ने अभी ट्वीट किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। साहब अगर आप रोजगार देने के लिए सीरियस होते, 28 लाख पोस्ट जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्त पड़ा हुआ है, और आप स्टेट गवर्नमेंट में जाकर के देख लीजिए भर्तियां नहीं की जा रही। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ये असली बात देश की जनता से छुपाना चाहिए। असली बात क्या है? आप सब लोगों को याद है कि जब नोटबंदी की गई तो यह दावा किया गया कि इसके बाद नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। कल ही जो है एक सब इंस्पेक्टर की फिर से टारगेटिंग की गई है।
नक्सलवाद की घटनाएं हो रही है, आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही है। अगर नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाता तो पुलवामा की घटना कौन करके गया है, कैसे पुलवामा की घटना हुई है? तो ये दावा करते हैं, जब उस दावे का आप पड़ताल करेंगे तो आपके ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर देंगे। एक व्हाट्सएप मैसेज घूम रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जिस भी योजना का कांग्रेस विरोध कर रही हो, ऐसा आप मान लीजिए कि वो योजना सही है। कांग्रेस के विरोध करने से आप चलते हैं, आप सत्ता में बैठे हुए मोदी जी, आपके ऊपर देश की जनता ने भरोसा किया है। विपक्ष के भड़काने से लोग भड़क जाते, विपक्ष कहीं भी बात लोग मान लेते तो प्रधानमंत्री मोदी जी होते। इस देश के लोगों ने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वही नौजवान हैं जो उस वक्त हिंसा नहीं किए जब इनके माँ बाप हजारों किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर गए। ये वही नौजवान हैं जो तब भी हिंसा नहीं किए जब उनके परिवार को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वो तड़प तड़प करके जान दे रहे थे। ये तब भी हिंसा नहीं किए जब आपने हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं दी। मैं देश की सरकार से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह अपील करना चाहता हूँ कि ये कोना कोना कौन कोना सोतली पुतो कोना खेलना बंद कीजिए। आप हकीकत में बताइए कि रियलिटी क्या है। क्या आपने विपक्ष को पूछा, आपने विपक्ष को पूछा कि हम कोई योजना ला रहे हैं, आपने कोई पार्लियामेंट की कमेटी की मीटिंग की, या आपने नौजवानों को पूछा कि हम आपका भलाई करना चाहते हैं किसानों की तरह, और नौजवान कहते हैं हमको ये भलाई नहीं चाहिए। इस मनोदशा को समझिए साहब, हम ऐसे गांव से आते हैं, ऐसे इलाके से आते हैं, कोई ऐसा साल नहीं गुजरता है साहब कि हमारे इलाके में कोई शहादत न हुई हो। हमारे इलाके में लोगों के पास महज नौकरी नहीं है सेना, हम जानते हैं इस बात को। जब किसी परिवार में किसी बच्चे को सेना की नौकरी मिलती है, पूरे इलाके में उनका सम्मान होता है। और दुख के साथ साथ जब एक पार्थिव शरीर गांव आता है, आंखों में आंसू होने के बावजूद उस इलाके का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे बच्चे ने जो है देश के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया है। सेना का सवाल देश की सुरक्षा का सवाल है, आप इसको मजाक मत बनाइए। और एक बात हमारे साथी भी कह रहे हैं, आप तमाम मीडिया लोग भी इसको बोल रहे हैं कि उसमें से 25% लोगों को, साहब 25% नहीं, अप टू 25%, ध्यान रखिएगा, ये है सेल्समैन मेगा बम्पर ऑफर की मानसिकता। अप टू 25% क्या होता है, मतलब 25% की भी गारंटी नहीं है। ये मत समझिए आप कि उसमें से एक को दे ही देंगे नौकरी, बहुत चालाकी से टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया है अप टू 25%। और इसमें ये कितना गंभीर है, इस गंभीरता का आप अंदाजा लगाइए कि अभी आए हुए 3 दिन हुए घोषणा किए हुए, 2 मेजर अमेंडमेंट हो चुका है, और जो फायदा गिनाए जा रहे हैं वो फायदा तो पहले से है। सेना में, आर्म फोर्सेस में, पैरामिलिट्री में भर्ती होने की मैक्सिमम आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष से ज्यादा में तो आप बहाल ही नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अलग अलग रैंक पे आप कितना समय तक सेवा देंगे वो पहले से निर्धारित है। और जो लोग आर्मी की नौकरी समाप्त करके, सेवा समाप्त करके आते हैं, उनको अन्य जगहों पर सुविधाएं दी जाती है, भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं दी जाती है, भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को सुविधाएं दी जाती है। और आप में से बहुत सारे लोग, मैं बहुत साधारण साधारण बात करता हूँ, मुझे लंबी चौड़ी बात करनी नहीं आती है, क्योंकि कहते हैं जाके पैर में फटे विवाही भूखा जाने पीड़ पड़ाई। हमको पता है कि आर्मी में कौन लोग जाते हैं, गृह मंत्री का बेटा आर्मी में नहीं जाएगा, BCCI का सेक्रेटरी बनेगा। हमको पता है कि वहां पे सेवा करने वाले कौन लोग होते हैं, गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं। कोई नेता का बाल बच्चा आर्मी में नहीं जाता है, जाता है प्रधानमंत्री में जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो खिंचवाने के लिए वर्दी पहनना एक बात होता है, देश की भक्ति के लिए, सर्वोच्च सम्मान के लिए वर्दी पहनना दूसरी बात होती है। दीपावली में जाकर के मिठाई बांट देंगे, उसके बाद आकर के अग्नि पथ योजना ला करके देश की जवानों का दिवाला निकाल देंगे। अग्नि पथ योजना इस देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। इस योजना को सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। और ये जो लॉलीपॉप वाली भाषा है ना, इस लॉलीपॉप की भाषाओं को बंद करना चाहिए। और जहां तक बिहार में हिंसा का सवाल है, सीधा सा एक कारण समझ लीजिए, ये नौजवान ना किसी के द्वारा लाए गए हैं, ना किसी के द्वारा बुलाए गए हैं। आप तमाम प्रबुद्ध पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं,
कोई ऑर्गेनाइज आंदोलन होता है उसका स्वरूप अलग होता है। हम लोग 3 दिन से नहीं डिटेन हो रहे हैं यहाँ पे, हमारा ऑफिस छावनी में बना हुआ है, हम लोग आते हैं पुलिस पकड़ करके हमको ले जाती है, कोई हिंसा नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। उसमें हिंसा क्यों हुआ है? क्योंकि वहां नौजवानों का सब्र जो है पानी सर से ऊपर चला गया है। और एक बात और जान लीजिए, जो हमारा बेरोजगारी दर है देश का, बिहार का बेरोजगारी दर डबल है साहब। जहां के मजदूर, बिहार का मजदूर जाता है ना हरियाणा और पंजाब में धान काटने के लिए, बिहार के ही लोग आते हैं ना दिल्ली में काम करने के लिए, बिहार के ही लोग जाते हैं ना महाराष्ट्र में काम करने के लिए। जहां इंप्लॉयमेंट नहीं है वहां के लोग ऑलरेडी विस्थापित होते हैं। ये जो बच्चे हैं ये उस उम्मीद में अपने गांव में रह रहे हैं, दौड़ रहे हैं जाड़ा गर्मी बरसात सड़कों पे मैदानों में रेत पे कि इनको किसी दिन सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। ये मौका इनसे जब छीना जा रहा है तो इनका सब्र टूट गया है। लेकिन मैं इन तमाम नौजवानों से भी एक अपील करना चाहता हूँ, दोस्त हम किसान के बच्चे हैं और हमारे माँ बाप ने इस सरकार को झुकाया है, इस सरकार को बताया है कि ये देश गांधी का देश है और गांधी के देश में सत्य और अहिंसा से ही कोई लड़ाई जीती जा सकती है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से इस आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करते हुए सरकार से ये अपील करते हैं कि इसको वापस लीजिए, और नौजवानों से अपील करते हैं कि देश की संपत्ति को मत जलाइए, मत जलाइए, क्योंकि कल को आपको वही संपत्ति इसी प्रधानमंत्री से बचाना भी है, क्योंकि देश की संपत्ति के दोस्त को बेचने वाले हैं। ये हमारे आपके टैक्स के पैसे की संपत्ति है, इसकी रक्षा कीजिए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलिए। और किसानों ने 700 लोगों की शहादत देने के बाद 1 साल से ज्यादा आंदोलन चलाया, शांतिपूर्ण तरीके से चलाया, तमाम तरह के आरोप लगाए गए, जैसे आज आपके आंदोलन को कहते हैं उपद्रवी, तोड़फोड़ करने वाले, हिंसा करने वाले, ये कहां से आ गए, कैसे आ गए, कौन है इसके लिए जिम्मेवार? और विपक्ष के माथे को मत खेलिए, विपक्ष की बात जनता अगर सुन रही होती तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। इसलिए प्रधानमंत्री होने के चलते मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस योजना को आप वापस लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हम सबका वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। सारे बयान मैं देख लूं, ऐसा मेरे जैसे साधारण बुद्धि के आदमी की जरूरत है। देखिए हालांकि ये जो है ना, मैं देख रहा हूँ टीवी मीडिया रिपोर्टिंग में और कई जगह इस बात को बार बार हाईलाइट किया जाता है कि बिहार में आंदोलन हो रहा है। एक्चुअली एक डिजाइन है, किसान आंदोलन के दौरान भी आपने देखा होगा, नहीं नहीं कुछ मुट्ठी भर किसान हैं वो हरियाणा और पंजाब के, अगर मुट्ठी भर थे तो वापस क्यों लिया? और अगर सिर्फ बिहार का मसला है तो नागपुर से लोग जो है पैदल क्यों आ रहे हैं दिल्ली की तरफ? तेलंगाना में घटना हुई, झारखंड में हुआ, राजस्थान में हुआ, तो ये देशव्यापी सवाल है। ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य से ही लोग सेना में भर्ती होते हैं, हर राज्य से होते हैं। बिहार का जहां तक मसला है, मैंने आपको कहा कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से बिहार की बेरोजगारी दर दुगुनी है और वहां पे काम के लिए विस्थापन करना, दूसरे राज्यों में काम करना, ये दशकों से ये समस्या चली आ रही है, मौजूदा सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहरा। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो एक आखिरी उम्मीद कहते हैं नौजवानों का कि हमको सर्वोच्च बलिदान देने का मौका मिलेगा, सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा, और बहुत कुछ निर्भर करता है साहब। मैं बहुत सारी चीजें बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं होगा ना आर्मी में भर्ती तो ब्याह नहीं होता है, आप जान लीजिए एक बात। अभी 4 साल में रिटायर होकर के आ जाएगा, कौन ब्याह करेगा जी? बहुत बुनियादी सवाल है, समझिए इस बात को। एक लड़का सिर्फ नहीं जाता है आर्मी का नौकरी करने के, पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा गाँव उससे सम्मानित होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों शहीदों का जो है गेट बनाया जाता है? ये हमारा व्यक्तिगत पेन है साहब, इसीलिए हम लोगों को दुख हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम इस सवाल पे निकले, अभी रेल मंत्री अपील कर रहे हैं। ये रेल मंत्री तब कहां थे जब रेलवे की भर्ती में गड़बड़ी आई थी? याद कीजिए, तब भी बवाल हुआ था, तब रेल मंत्री आकर के बोले, फिर उस योजना को वापस किए।
तो बेसिकली क्या है ना, प्रधानमंत्री जी खुद को समझते हैं डॉक्टर डैंग और हम लोगों को समझते हैं पिंजरे में बंद चूहा। तो जब मन करे तब जो है ना इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, टेस्ट कर देंगे कितना उछला, कितना जो है अनसीरियस चीज है। आप समझिए तो दोनों आंदोलन हो गया, कई ट्रेनें जल गई, हिंसा हो गई, तब कह रहा है कि नहीं 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 इस बार जो है 2 साल एज बढ़ा देंगे। तो सो रहे थे, कहता था कि जगते रहते हैं आप, सोते ही नहीं है। तो उस पर बहाली जब आप निकालते तो आपको समझ में नहीं आया था ये सीरियस नहीं है। दूसरा बात है झूठ बोलते हैं और सब मंत्री लोग को लगा देंगे कि तो जरा प्रोडक्ट बेच करके आओ तो ले लो खरीद लो बेच लो फायदे फायदे। अरे क्या मानसिकता है ये, आप देश चला रहे हैं ना, देश की वस्तु स्थिति बताइए, आप बताइए कि आर्थिक हालत ये है कि ऑलरेडी अमेरिका रिसेशन अनाउंस करने वाला है और आप नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक का जो रिजर्व पैसा है वो निकाल लिए हैं, 8,000 करोड़ का विमान खरीद रहे हैं। और ठीक कहा ना इन्होंने, 71 साल में ये देश सेवा करने का दावा कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो ले सकता हूं, मैं डरता थोड़ी हूं। हाँ वही कह रहे क्यों नहीं ले सकते कि आप सेवा कर सकते हैं और हम सेवा के लायक नहीं है। और उस ड्रोन का क्या हुआ जिससे वो कहीं देश में गड़बड़ी देख लेते हैं ड्रोन से आजकल, तो ड्रोन क्या था, छुट्टी पे था कि उसका बैटरी खराब हो गया था, क्यों नहीं ड्रोन भेज करके देख लिए कि क्या हो रहा है देश में। बात यह है कि ये जान बूझ करके हिंसा भड़काते हैं, मेरा इस बात पे जोर है। और वो इस बात को अपने व्हाट्सएप पे इको चैंबर से फैलाते हैं कि मोदी जी का अवतार इस देश का भला करना चाहता है और ये जो बिका हुआ विपक्ष है वो चाहता ही नहीं है इस देश का भला हो। देखिए मोदी जी किसानों का भला करना चाहते थे, किसान को भलाई लेने ही नहीं दिया। अब जवानों का भला करना चाहते हैं, जवानों को भलाई नहीं लेने देना चाहता है। विपक्ष हमको इतना सुनता है, विपक्ष को इतना, बिहार की किसी भी जनता को कोई संदेश देने का जरूरत नहीं है। बिहार ऐसा जगह है, सुन लीजिए साहब, मोहनदास करमचंद आए थे, हमने गांधी बना करके भेजा वहां से उनको। सिद्धार्थ आए थे, हमने बुद्ध बना करके भेजा उनको। हमारा काम नहीं है हिंसा करना, अगर हिंसा हो रही है इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। और ये अग्निपथ योजना देश के युवाओं को अग्नि में झोंकने की योजना है। तो मैं बिहार के नौजवानों से यही कहूंगा, रे भाई इतना रिस्क लिए हो तुम, तुमको पता है। और आपको एक बात और बताऊं, आप लोग इसको नोट कीजिएगा, जो लोग आर्मी का तैयारी करता है ना वो डर से जुलूस प्रदर्शन में नहीं जाता है कि पुलिस केस हो जाएगा तो हमेशा के लिए नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो ये वो नौजवान है जिनको ऑलरेडी ये लग चुका है कि हमको नौकरी ये सरकार अब नहीं देगी, अब बहुत कुछ हो गया। तो मैं उनको कहता हूं कि चलिए नौकरी के लिए आप संघर्ष कीजिए, लेकिन जहां आप नौकरी करेंगे वो तो वही रेलवे है, वही सरकारी संपत्ति है, उसको कोई नुकसान मत पहुंचाइए। और सत्याग्रह के रास्ते पे चल करके ही, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल करके ही कोई आंदोलन जीता जा सकता है। देखिए हम ज्योतिषी तो नहीं है और ये किसी को नहीं लग रहा था कि किसान आंदोलन के बाद जो है किसी भी वापस होगा। एक बात बस हम जानते हैं, लगता नहीं है, दिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ ये जानकर लड़ना पड़ता है न्याय और हक के लिए। और नौजवानों की इस लड़ाई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से उनके साथ है।